नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समस्तीपुर की बैठक बुधवार 9 जुलाई 2020 को ताजपुर रोड स्थित राज विवाह भवन में जिला अध्यक्ष अनंत कुशवाहा के अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला के प्रभारी सह प्रदेश महासचिव ब्रजेंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी में कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाना चाहिए। बूथ स्तरीय कमेटी गठन की समीक्षा करते ब्रजेंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि जब तक सभी बूथ पर 10 सदस्यीय कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। किसी भी चुनाव में सफलता पाने के लिए बूथ स्तर पर काम करना जरूरी है। पंचायतवार बैठक कर वर्तमान सरकार की 15 सालों की विफलता जनता के बीच ले जाना आवश्यक है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास का ढींढोरा पीट रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बरसात में ही नीतीश कुमार का विकास दिखने लगता है। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, एक भी ऑफिस में बिना पैसा लिए काम नहीं होता है, सभी विभागों में अफसरशाही हावी है। बैठक को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर संजू प्रिया, राष्ट्रीय सचिव शशांक प्रियदर्शी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामदयालु महतो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, प्रदेश महासचिव विनोद चौधरी निषाद, प्रदेश सचिव रामकरण चौधरी, राज्य परिषद सदस्य मोहियुद्दीन अगर, विधानसभा सह जिला सचिव रालोसपा समस्तीपुर रंजीत कुमार, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष लाल बाबू महतो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समस्तीपुर आदित्य कुमार ठाकुर, दलित महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समस्तीपुर उपेंद्र कुमार दास, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष देवव्रत कुशवाहा, सुनीता शर्मा, अमरजीत कुमार, अधिवक्ता ब्रजकिशोर शर्मा, अरुण कुमार सिंह, लाल बाबू सिंह, पवन कुमार महतो, आशीष सोनी, जयचंद राम, राम कुमार, इंद्रजीत कुमार, कमलेश कमल, जनार्दन प्रसाद आजाद, अमरकांत प्रसाद, लक्ष्मी महतो, नवीन कुमार सिंह, राम पदार्थ प्रसाद सिंह, आनंद सिंह कुशवाहा आदि शामिल थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से प्रत्येक विधान जिला के प्रत्येक विधानसभा में बुधवार हम लोग कमेटी बना रहे हैं और जिले के सभी विधानसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। जिस विधानसभा में मजबूती के साथ हमारा तैयारी होगा, उसमें हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के बैनर तले, और जो भी और विधानसभा में हम गठबंधन के साथियों को जिताने का काम करेंगे। इसलिए आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बिहार में चुनाव है, चुनाव के दृष्टिकोण से हमारी पार्टी बिहार के सभी विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और तैयारी के हिसाब से हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक का सीधा अभिप्राय है कि जिन विधानसभाओं में हमारी तैयारी बेहतरीन होगी, निश्चित रूप से वहाँ चुनाव लड़ेंगे।